और कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। मराठा सिर्फ दो ही बात जानता है, मारना या मरना। क्यों जंग का ऐलान है? आज खुदा खुद परेशान। ताजमहल प्यार की निशानी तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई वॉर ड्रामा फिल्म यानी कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के बारे में, और बताएंगे आपको कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कितने रुपये में बेचा है, साथ ही साथ इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज करके कितने रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म जो कि एक एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट में देखने को मिल रहे हैं अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही और शरद केलकर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यह फिल्म पहले तो थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन दोस्तों इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स हैं उन्हें बहुत पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खरीद लिया था। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अब यह फिल्म आज यानी कि 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लगभग 110 करोड़ रुपए में बेच दिया था। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का जो एस्टीमेट बजट है वो लगभग 90 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। और दोस्तों जहां इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को 110 करोड़ रुपए में डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचा है, तो यहां पर इस फिल्म के मेकर्स को सीधा सीधा 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार को बेचकर 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया था। हालांकि दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट राइट यानी कि टीवी पर दिखाने के राइट्स की, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के जो सैटेलाइट राइट हैं वो लगभग 30 करोड़ रुपए के सोल्ड आउट हुए हैं। जी हां दोस्तों आपको बताना दूं कि इस फिल्म के जो टीवी पर दिखाने के राइट्स हैं वो 30 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए हैं, जिन्हें खरीदा है स्टार गोल्ड ने। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स हैं वो अभी भी भूषण कुमार के पास हैं, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ ही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म को लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। जी हां दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करके लगभग यहां पर 50 करोड़ रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो चुका है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि यह फिल्म अगर थिएटर्स में रिलीज होती तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन आराम से कर लेती, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि अजय देवगन की पिछली फिल्म रिलीज हुई थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिस फिल्म ने इंडिया से ही लगभग 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तो दोस्तों इसके चलते ही यह तो पता चलता है कि भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म अगर थिएटर में रिलीज होती तो यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन तो आराम से कर लेती है। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आपने अगर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म देखी तो आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें प्ले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।